सोशल मीडिया का आज का दौर है। हर कोई इंसान अपने इस वक्त मोबाइल जर्नलिज्म को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। आज जब आप सोते होंगे, जब उठते हैं तो आपके हाथ में मोबाइल होता है। लोगों को अक्सर आपने देखा होगा कि जब वो ऑफिस जा रहे होते हैं तो उनके हाथ में फोन होता है और वो उसमें व्हाट्सएप और फेसबुक चला रहे होते हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या व्हाट्सएप और फेसबुक चलाना कितना सेफ है, क्या उसमें डेटा चोरी हो रहा है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अगर हम आज बात करेंगे व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक के करोड़ों यूजर्स का डेटा चोरी हो गया था। व्हाट्सएप भी यूजर्स के डेटा को फेसबुक के साथ शेयर करती है। अब व्हाट्सएप में ऐसा अपडेट आया है कि यूजर्स अपने डेटा को फेसबुक के साथ शेयर करना बंद कर सकते हैं। व्हाट्सएप हमेशा फेसबुक के साथ साझा किए गए डेटा के बारे में डिफेंसिव हो रहा है। उन्होंने कहा है कि हर संदेश एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है और कहा कि वो फेसबुक के साथ बहुत कम डेटा शेयर करते हैं। हालांकि दो तरीकों से आप अपना डेटा सुरक्षित रखने के अतिरिक्त कदम उठा सकते हैं और फेसबुक के साथ साझा किए जाने वाले आपके डेटा के बारे में चिंता किए बिना व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं। ये फीचर व्हाट्सएप के नए सिक्योरिटी अपडेट में आ गए हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये आपका जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि व्हाट्सएप के ये फीचर्स जब अपडेट हो जाएंगे तो हो सकता है कि आप उसमें कुछ सुरक्षा देख सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है और हमारा व्हाट्सएप और फेसबुक सुरक्षित होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि व्हाट्सएप डेटा जो शेयरिंग होता है, सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप ऑन करें और फिर उसके बाद सबसे ऊपर राइट साइड में आ रहे तीन डॉट्स पर टैप करें। आप कई ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ सेटिंग्स में जाएं और जब सेटिंग्स में आ जाएंगे तो यहाँ कई ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ अकाउंट के ऑप्शन पर आप टैप करें। अकाउंट पर टैप करने के बाद कई ऑप्शन आ जाएंगे। इसके बाद चेक मार्क पर टैप करना है। इसके बाद आपके सामने राइट ऑफ शेयर माई अकाउंट इन्फो का ऑप्शन होगा। अब इसे डिसेबल कर देना है और ऐसा करने के बाद आपका डेटा फेसबुक के साथ शेयर नहीं होगा। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि व्हाट्सएप और फेसबुक का डेटा अगर शेयर होता है तो दिक्कतें काफ़ी बढ़ जाती हैं और इसमें कुछ जोखिम हो सकता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम बात करें, अपनी भाषा में भी हम चला सकते हैं व्हाट्सएप। जाहिर सी बात है कि हम अपना व्हाट्सएप जो भी रीजनल भाषा होती है, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, हिंदी हो, उसमें भी हम अपना व्हाट्सएप चला सकते हैं। अंग्रेजी के अलावा इनको भी सपोर्ट करती है। अपनी भाषा में भी हम व्हाट्सएप चला सकते हैं। अंग्रेजी के अलावा व्हाट्सएप पर सबसे ज़्यादा आसानी से रिकॉर्ड कर सकेंगे लंबे वॉइस मैसेज। व्हाट्सएप पर ज़्यादा आसानी से रिकॉर्ड कर सकेंगे जब वॉइस मैसेज जाने का तरीका, व्हाट्सएप में नया फीचर, 2 महीने पहले डिलीट की गई फ़ोटो वीडियो भी कर सकेंगे डाउनलोड कर जाने, व्हाट्सएप में नया फीचर, 2 महीने पहले डिलीट की फ़ोटो वीडियो भी शेयर कर सकेंगे। और जाहिर सी बात है कि ये सब व्हाट्सएप में नए नए फीचर आ रहे हैं। व्हाट्सएप से पेमेंट हो रही है और नए गाइडलाइन व्हाट्सएप ग्रुप के जो एडमिन हैं उसने भी जारी की गई है कि आप अपनी पेमेंट डिटेल फेसबुक के साथ शेयर कर रहे हैं, वो भी एक आपको कर सकते हैं। बहरहाल अब हम बात कर रहे हैं, ये जो तरीका है कि डेस्कटॉप पर आप चला सकते हैं व्हाट्सएप, ये भी एक नया तरीका आ गया है कि लोग ऑफिस में बैठकर अब अपना डेस्कटॉप पे व्हाट्सएप चला रहे हैं। व्हाट्सएप वेब से आप देखा होगा आपने, तो यानी अब व्हाट्सएप में नए नए जो फीचर्स जुड़ गए हैं ये काफ़ी अच्छे साबित हो रहे हैं। अब जब आपने पहली बार अपना व्हाट्सएप इंस्टॉल करेंगे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐप की इंस्टॉलिंग के दौरान आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहां आपको सेवा की शर्तें और गोपनीयता नीति के साथ सहमति के लिए कहा जाएगा। यहां आपको रीड मोर करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा करने के बाद आपको उस ऑप्शन पर जाना होगा जो व्हाट्सएप डेटा को फेसबुक से साझा नहीं करने की सुविधा देता है। एक बार ऐसा करने के बाद आपका अकाउंट सुरक्षित होगा और आपकी व्यक्तिगत जानकारी फेसबुक के साथ साझा नहीं होगी। अब आप व्हाट्सएप पर डिलीट किए गए फोटो, वीडियो और दूसरे मीडिया पर वापस पा सकते हैं। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए सुविधा दिया, अगर किसी ने आपको कोई मीडिया फाइल भेजी है तो उसे अपने फ़ोन से डिलीट करने के 2 महीने के बाद भी आप उसे वापस पा लेंगे। व्हाट्सएप अपने सर्वर पर पहले हर मीडिया फाइल को 30 दिन तक सेव रखता था। बीच में व्हाट्सएप ने इस फाइल्स को सर्वर पर रखना बंद कर दिया। व्हाट्सएप ने यह सुविधा दोबारा शुरू की है। ये फीचर फिलहाल एंड्रॉयड पर ही उपलब्ध है।
इसके लिए आपको अपने फ़ोन पर WhatsApp को लेटेस्ट वर्जन 218 और 113 अपडेट करना पड़ेगा। इस वर्जन में भी ये सुविधा अपडेट करने के लिए कुछ समय बाद मिल जाएगी। यानी अब बहरहाल जो भी तस्वीर चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो बेहद अलग हैं WhatsApp के लिए, और WhatsApp की जो दुनिया अलग हो चुकी है वो भी बिल्कुल अलग टाइप की हो गई है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर के डिलीट हुई फ़ाइल क्या वापस आ सकती हैं? डिलीट हुई फाइनल फाइल अपलोड डाउनलोड करने के लिए आपको उस यूज़र की चैट में जाना पड़ेगा जिसने आपको आपके जिससे वो फाइल भेजी थी। फ़ोन के ऊपर यूज़र के नाम पर टच करने से फ़ोन में मीडिया का ऑप्शन खुलेगा जहां आप एक दूसरे को भेजी गई सारी फाइल देख सकते हैं। इसमें 2 महीने पुरानी तक डिलीट हुई फाइल आप वापस डाउनलोड कर सकते हैं। यानी WhatsApp जो है आने वाले वक्त में बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, और WhatsApp के जो नए नए फीचर्स हैं ये काफ़ी बता रहा है कि WhatsApp जो है अब काफ़ी सेव होता जा रहा है, और WhatsApp की जो फाइल्स हैं जो WhatsApp है वो अब Facebook से कितना सेव है कितना नहीं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल अब जिस जो तस्वीर चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप ऐसा करने से अपने WhatsApp को सुरक्षित बना सकते हैं, और सुरक्षित बनाकर आप जो शेयर हो रहा है Facebook के साथ उससे बचा सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है तो जाहिर सी बात है हमें सुरक्षा बरतनी पड़ेगी, हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी कि जिससे हमारा डेटा चोरी ना हो। डेटा चोरी हो जाएगा तो उससे दिक्कत होगी जी, और उससे काफ़ी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कि क्या WhatsApp और जो Facebook है हमारा, जिस तरीके से पिछले दिनों खबरें आईं Facebook को लेकर, एनालिटिका कंपनी ने कहा कि उन्होंने डेटा चोरी किया, तो ये सारी जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वाकई में बेहद चौंकाने वाली हैं और बेहद डराने वाली हैं। लेकिन अब हमें अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा, हमें अपने आप को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम कैसे कैसे चीज़ों से बच सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए सोशल मीडिया ही सब कुछ नहीं है। हमें अपनी एक समाज में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं और जिस समाज का हम हिस्सा हैं, तो हमें ये सब चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि हम कहीं कोई जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर पा रहे हैं कि जिससे आने वाले वक्त में दिक्कत हो जाए और उसको लेकर परेशानी हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी जो बात गौर करने वाली वो ये है कि क्या हम जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया के जितने करीब आए हैं, क्या उससे हमें कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है, और कितना उससे हम फ़ायदा ले सकते हैं। बहरहाल हमें बहुत बचकर चलना होगा। अब मैंने आपको जो पूरा WhatsApp के जो बताए हैं, आप ये अपडेट अगर कर लेंगे तो Facebook के साथ जो डेटा शेयर हो रहा है वो बंद हो जाएगा। लेकिन तस्वीर एक ये भी है कि क्या हमारे और आपका डेटा आखिर चोरी करके कर क्या रहे हैं, आखिर उसका फ़ायदा क्या उठाया जा रहा है, आखिर उससे क्या फ़ायदा निकाला जा रहा है। चुनावों को लेकर, चुनावों के रिजल्ट को लेकर चीज़ें निकाली जा रही हैं कि उसका डेटा चोरी करके उसमें फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे और आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमें और आपको सोचना होगा, समझना होगा कि सब चीज़ें हमारे WhatsApp के लिए कितनी ज़रूरी हैं और कितनी नहीं। बस तस्वीरें वही हैं, और हमें और आपको समझना होगा कि WhatsApp की जो सोशल मीडिया का दौर है, हमें और आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी डेटा जो चोरी हो रहा है वो ऐसा ना हो कि हमारे और आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे और हम और आप किसी बड़े परेशानी में आ जाएं। ख़ास तौर पर हमें, ख़ास करके भारतीयों को इस बात को समझना होगा कि हम और आपका डेटा चोरी हो जाए लेकिन हमें उसको सुरक्षित बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर डेटा चोरी होता है तो हमारे और आपके लिए नुकसान होगा। हमें और आपको जिस तरीके से Facebook को है और WhatsApp को है, हमें सुरक्षित बनाना पड़ेगा। तो बहरहाल जो मैंने आपको ये जानकारियाँ दी हैं ये आपके लिए बेहद अहम हैं, और WhatsApp को अपडेट करेंगे तो आपका डेटा Facebook के साथ शेयर नहीं होगा। Facebook को लेकर लगातार तमाम खबरें हैं, वो नुकसान हो सकता है। तो ये था हमारे लिए, हम आपको आगे भी बताते रहेंगे और क्या क्या नई अपडेट्स हैं WhatsApp में, Facebook में। तो जुड़े रहिए और हमारे साथ, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये थे हमारे लिए खास पेशकश, हम फिर हाजिर होंगे।